21 वर्षीय युवती जो नाबालिग दोस्त की मदद से शहर में विभिन्न जगहों पर चैन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करती थी। तहसील पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोच लिया है। इन दिनों नागपुर शहर में चोरी चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में इजाफा होता नजर आ रहा है। उसी प्रकार 16, 17 और 18 मई को विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत चैन और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाली 21 वर्षीय आरोपी युवती को तहसील पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल तहसील पुलिस थाने में 17 मई को चित्रा टॉकीज गौलीपुरा निवासी संकिता छत्रपाल उम्र 49 ने गांधीबाग गार्डन परिसर में टहलते वक्त चैन स्नैचिंग की शिकायत दर्ज की। उसके एक दिन पहले ही गणेशपेट थाने में ठीक ऐसी ही घटना की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके तर्ज पर पुलिस ने गणेशपेट की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दोनों घटनाओं में लिप्त आरोपी की गाड़ी एक ही पाई गई। गांधीबाग परिसर में वारदात के पहले ये आरोपी जरीपटका में भी एक घटना को अंजाम देकर ही आए थे और फिर अगले दिन 18 मई को गणेशपेट में चैन स्नैचिंग की घटना हुई। फिर पुलिस ने सरगर्मी से आरोपी की तलाश शुरू कर दी और फिर रामबाग निवासी ऋतुजा उर्फ चिकू राजेश जाधव उम्र 21 वर्ष को हिरासत में लिया। दरअसल ये युवती अपने तृतीय पंथी सहेली से उसकी गाड़ी मांगकर अपने नाबालिग दोस्त के साथ इन घटनाओं को अंजाम दे रही थी। आरोपी युवती से पुलिस ने कुल 1,64,000 रुपए का माल बरामद किया है और मामला दर्ज कर जांच जारी है। बरोबर है। दिनांक 17/5/2023 रोजी सकाळी 7:30-7:45 दरम्यान सोना रेस्टॉरंट चौक तहसील पोलीस स्टेशन हद्दीत मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या महिला संगीता छत्रपाल या मॉर्निंग वॉकसाठी चालत होत्या, तेव्हा मागून ॲक्टिवा गाडीवर दोन मुलं आले आणि त्यांनी त्यांची गळ्यातली जी काळी मण्याची ज्या सोन्याचे मणी होते अशी पोत ओरबळून नेली। त्या लगेच तात्काळ पोलीस स्टेशनला आल्या, लगेच सदर घटनेचं गांभीर्याने दखल घेतली। घटनेसाठी आमचे WAP भावसार लगेच DB टीम आम्ही स्वतः गेलो, नंतर आजूबाजूला घटनेसाठी पाहणी केली। यापूर्वीच गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या आधीसुद्धा अशीच सकाळच्या वेळेस मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या महिलांची चैन स्नॅचिंग झाली होती। तसंच 18 तारखेलासुद्धा गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या आधीत चैन स्नॅचिंगच्या ह्या दोन घटना झालेल्या, मोबाईल स्नॅचिंग आणि चेन स्नॅचिंग अशा दोन घटना झालेल्या होतात। घटनेचं गांभीर्य ओळखून आम्ही आमचे DB टीम, आमचे DB अधिकारी तसेच गणेशपेठचे DB अंमलदार अशा सर्वांनी मोहीम सुरू केली आणि एक आमच्या प्रयत्नांना यश म्हणा की आम्हाला एक ट्रॅक झालं ते CCTVमध्ये ते चेन स्नॅचर आणि आम्ही त्यांना फॉलोअप केलं तर जी ॲक्टिवा गाडी त्याचा नंबर मिळाला, त्या ॲक्टिवा गाडीचे ओनर कोण त्यांच्याकडे गेलो, त्यांनी 2 महिन्यापूर्वीच ती गाडी एकाईस मला घेतलेली होती, त्यांच्याकडे गेलो, त्यांनी सांगितलं की असा ऐसा असं मी गाडी घेऊन गेलो, तर त्याचा शोध घेतला, नंतर आम्हाला माहिती मिळाली असता ती गाडी। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।